अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आज मैं आपको एक अमेजिंग फेस मास्क बनाने के बारे में बताऊंगी, जिससे आपकी स्किन 10 साल तक जवान दिखने लगेगी और साथ ही ये मास्क आपकी स्किन को फेयर, ब्राइट और रेडिएंट भी बनाएगा। इस मास्क की रेगुलर एप्लीकेशन से आपकी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइन्स चले जाएंगे और आपकी स्किन हमेशा के लिए फेयर और यंगर लुकिंग बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए। इसको बनाने के लिए पैन में 3 चम्मच चावल का आटा लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लीजिए। इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पतला होना चाहिए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर लीजिए 5 मिनट तक। ये बॉयल होते वक्त ध्यान रखिए कि ये मिक्सचर पैन से चिपक ना जाए, इसीलिए इस मिक्सचर को एक चम्मच की मदद से हिलाते जाएं। 10 मिनट बाद इस मिक्सचर को एक बाउल में ले लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच शहद ऐड कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस पेस्ट को अपनी क्लीन चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। राइस फ्लोर में वाफर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो स्किन की एजेंट प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और रिंकल्स और फाइन लाइंस को आने नहीं देता है, और साथ ही ये स्किन कम्प्लेक्शन को ब्राइटन और ग्लोइंग भी बनाता है। इसे अप्लाई करके ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ड्राई हो जाए तब इसे पानी से धो लीजिए। अगर आप इस मास्क को हफ्ते में 3 से 4 बार अप्लाई करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। ऐसी ही 1 महीने तक मुसलसल अप्लाई करने से आपका स्किन पहले से बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग, ब्राइट और यंगर लुकिंग बनेगा इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।